हेलो एंड वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 19 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पर हमारे पर एडवर्टाइजमेंट है, सेकंड पर मोस्टली आज पॉलिटिकल न्यूज है। एक यहाँ पर विमेन हैरेसमेंट जो केस चल रहा है ब्रिजभूषण के अगेंस्ट, उससे रिलेटेड है। दूसरा है कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है यूक्रेन की लेकर, G20 जो समिट चल रहा है हमारे इंडिया में। श्रीलंका के रनिल विक्रमासिंघे ये विजिट पर है इंडिया की, कुछ ही घंटों की विजिट है, ज्यादा लंबी नहीं। बीजेपी के कोई लीडर हैं जिनका एक सेक्स वीडियो लीक हुआ है, एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट। सो फ्रंट पेज हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये जो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बेल होती है ना, कल भी यूसीसी का जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें बात की थी कि ये हर स्टेट में डिफरेंट प्रोविजन है इसके लेके, एंटिसिपेटरी बेल को लेकर। ओके, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में, सभी स्टेट में अलग अलग वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये चीज इतनी ज्यादा आ रही है न्यूज़पेपर में, तो बाय दिस टाइम यू मस्ट रिमेंबर फ्यू सेक्शन ऑफ आईपीसी रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, जो प्रोटेक्शन दी गई है आईपीसी में। तो फर्स्ट इज सेक्शन 354, दैट इज असोल्ट क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कभी वुमेन सेफ्टी पे लेके कुछ लिखते हैं ना आंसर में, तो उसमें अगर आप एक एरो लगा के ये सेक्शन मेंशन कर देते हैं तो वो दिखाता है आपकी इन डेप्थ नॉलेज। श्रुति शर्मा मैडम की कॉपी में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ बार बार कि एक दो सेक्शन याद रखिए। सेक्शन 354A सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ओके, तो बाकी इस पेज पर अभी कुछ काम करने की, पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है। श्रीलंका विजिट जो हुई है तो उसमें दो इनिशिएटिव याद रखिए, एक तो हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक दिस विजन सागर। सागर पे एक शॉर्ट नोट आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सिंस 2000। ओके, एंड इसको लेके मैंने आपको बताया था कुछ, कल बताया था मैंने आपको, पीटीए होता है, फिर एफटीए, फिर सीपा सीसा एंड सो ऑन। यहाँ पर ये इतना काम का न्यूज नहीं है हमारे, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब भी किसी तरह के सोशल इल्स यानी कि ड्रग्स हो गया, और इन चीजों को हमें काउंटर करना होता है ना, तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में एक आईपीएस ऑफिसर ने इसको बहुत अच्छे से यूज किया था कि यूथ जो इवनिंग होते ही ड्रग्स वगैरह में इंडल्स हो जाता था, उनको ये इवनिंग में इन्होंने स्टेडियम बनवाए, फ्लड लाइट्स लगवाई, ओके, गेम्स ऑर्गेनाइज कराए और यूथ को इस तरफ शिफ्ट किया कि वो स्पोर्ट की तरफ खेलने लगा। एंड एज अ रिजल्ट सच में जो एडिक्शन था लोगों का ड्रग्स को लेके वो काफी कम हुआ, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अब उस वे में कह सकते हैं कि जब हमें किसी तरह के सोशल इल्स को काउंटर करना हो तो सिर्फ काउंसलिंग या इन चीजों से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस तरह की हम उनको किसी अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। ऑलराइट, चलिए ये सब नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फर्स्ट थिंग इज कि ये पब्लिश कौन करता है, तो ये पब्लिश करता है हमारा नीति आयोग। ठीक है, इसके बाद इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, तो अगर आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इन तीन पार्ट में डिवाइड करके हमें टोटल 12 पैरामीटर्स हैं जिन पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिल्ड किया जाता है। ऑलराइट, जैसे हेल्थ में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टैलिटी, ये दो आ जाएंगे हेल्थ में। उसी तरह एजुकेशन में आ जाएगा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, ये एजुकेशन में चला जाएगा। फिर ये बाकी सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाएगा, जैसे कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट एंड बैंक अकाउंट आर ग्रुप अंडर 3 हेड्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग। ठीक है, तो बाकी 4 ऊपर हो गए और बाकी के 8 हमारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, स्पेशली ये 4 तो होने चाहिए एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये प्रीलिम्स आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि पहले एक रिपोर्ट आती थी इज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक की, उसके कुछ 10 पैरामीटर्स थे, तो उन 10 पैरामीटर्स पे उसने क्वेश्चन बनाया था प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन डाला था लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं था। ओके, एनीवे, सो इसको ध्यान रखिए बस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टैलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, बाकी सब बेसिक्स हैं जो एक फैमिली में आपको देखने को मिलते ही हैं अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो।
सो दैट्स अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। मोर सीसीटीवीज विद एआई फॉर थ्री जेल्स। तो इसको आप रिलेट कीजिए कि जेल में हमें क्या देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, मतलब जो गलत हो रहा है वो। एक तो कस्टोडियल टॉर्चर, इवन कुछ केसेस अभी हाई प्रोफाइल केस थे तिहाड़ जेल में जहां पर डेथ भी हुई है इनमेट्स की। ओके, दूसरा कि कैसे जेल में मोबाइल फोन तक पहुंच गए, मोबाइल फोन यूसेज, ठीक है, और वो जेल में बैठे बैठे ही अपने क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं फोन के थ्रू। ये 3 पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि क्यों हमें जेल में सीसीटीवी कैमरे को लगाने की जरूरत है। चलिए लेट्स मूव अहेड। चाइना स्टैंड ऑन डेट रिस्ट्रक्चरिंग एनकरेजिंग। ये G20 समिट जो चल रहा है उसी से लेकर रही है सर। तो इसमें आप सिर्फ दो टर्म्स जान लीजिए कि एक तो ये चाइना का जो डेट ट्रैप था ये था क्या। पहले तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के नाम पर दूसरी कंट्रीज को लोन दीजिए, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, और फिर उन पर एकदम हाई इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप वहां बना दीजिए जो वहां पर फिजिबल ही नहीं है। लाइक आप बहुत शानदार एक्सप्रेस वे या ब्रिज बना दें श्रीलंका जैसी कंट्री में, लेकिन उतना ट्रैफिक ही नहीं है वहां पर, लोग उतना हाई टोल रेट देने को तैयार ही नहीं है। तो वो सब जो इन्वेस्टमेंट किया आपने वो डूब जाएगा, वो डेट बन जाएगा, वो कर्ज बन जाएगा। और वही जब ये कंट्रीज चुका नहीं पाती हैं, तो जैसे हम्बन टोटा पोर्ट था श्रीलंका का, श्रीलंका में वो उन्होंने चाइना की एक कंपनी को लीज पे दे दिया, मतलब सेल आउट ही कर दिया, आप ये मानिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेट ट्रैप। हम आप पे इतना डेट कर देंगे लोन और इंटरेस्ट के थ्रू कि आप उसको चुका नहीं पाओगे और फिर आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो ये चाइना की एक डेट ट्रैप पॉलिसी है जो वर्ल्ड ओवर क्रिटिसाइज की जाती है। अब इसी को रिस्ट्रक्चरिंग अगर करने की बात की जाए तो चाइना इसमें काफी कंडीशन रख देता है। तो अब रिस्ट्रक्चरिंग से यहाँ पे मतलब क्या है। सपोज कीजिए कोई लोन आपको 20 साल में चुकाना था, तो आपने उसको रिस्ट्रक्चर करके कहा चलिए अभी आपके पास नहीं आ रहा है पैसा, तो आप मुझे ये 25 साल में चुका देना। ऑलराइट, सपोज आपको हर महीने या हर साल एक्स अमाउंट की इंस्टॉलमेंट देनी है इसी लोन की। तो ये इंस्टॉलमेंट अगर सपोज में कोई एक्स परसेंटेज देना है सामने वाले को हर महीने या हर साल, तो इसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए कि आप चलिए एक्स नहीं तो आप वाई परसेंटेज इंस्टॉलमेंट दे लीजिएगा और धीरे धीरे करके 25 साल में चुका लीजिएगा। इसको कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, और चाइना ये ज्यादा एक्सेप्ट करता नहीं है क्योंकि उसका गोल यही रहता है कि मुझे तो वर्ल्ड ओवर पाकिस्तान हो श्रीलंका हो इनके ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स वगैरह या जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इनकी कंट्री में, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट। फाइन, आगे बढ़े। तो पहले क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत एंथुसियाज्म था, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया। कंट्रीज में ज्यादा अभी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ पर फ्रेंच की हमने जितनी बात की उनका सबका एक ही प्रश्न निकल के आता है कि हमें को प्रोडक्शन करना है आपके साथ डिफेंस इक्विपमेंट का। हमें आपका सिर्फ बायर नहीं बनना है, हमें पार्टनर बनना है, को प्रोड्यूस करते हैं साथ में मिलकर, ठीक है, बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है हमें। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, IMF हो गया, इसके अलावा बहुत हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब ब्रिक्स बैंक बन के आया है, ठीक है, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बन के आया, ये सब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। तो अब ये वर्ल्ड बैंक एंड IMF दीज आर डोमिनेटेड बाय USA एंड यूरोपियन पावर्स, राइट। और जब इनसे लोन भी लेते हैं तो वो आते हैं कंडीशन के साथ, जैसे जब इंडिया के पास क्राइसिस हुए थे 91 में, तो हमने जब IMF से लोन लिया था तो हम पे काफी सारी कंडीशन इम्पोज की गई थी। पहला, आप अपने मार्केट को लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे करिए और अपनी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं इनको रिड्यूस कीजिए। तो फिर हमने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में गवर्नमेंट के शेयर कम करते गए, फिर उनको आउटराइट सेल भी कर दिया गया। ऑलराइट, उसी तरीके से हमें अपने रुपये का डिवेल्यूशन करना पड़ा। पहले क्या RBI फिक्स करता था कि हम $1 के बदले इतने रुपए देंगे आपको, सपोज 30, लेकिन फिर उन्होंने इम्पोज की कंडीशन की नहीं आप इसको मार्केट के हाथ में छोड़िए, लेट मार्केट डिसाइड कि डॉलर और रुपये का रेशियो क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो वर्ल्ड बैंक IMF में कंडीशंस होती है ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे काफी प्रेशर होता है, फिर अगर लोन चाहिए तो हमारी कंडीशन माननी होगी। तो उसी के रिएक्शन में एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, AIIB, ये सब बैंक्स आए कि चलिए हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं, थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे। और एक डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए ये
इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं कि वो इंटरनल डेट रेस कर सकें अपनी पब्लिक से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि आज के टाइम में डेवलपमेंट में इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके तीन गोल होने चाहिए। दे शुड वर्क विद ट्रिपल मैंडेट। फर्स्ट, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को दिमाग में लाइए, इमेजिन कीजिए एंड सोचिए कि वहां पे कौन सी तीन चीजें हैं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे। पहला, एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर आपने अफ्रीका के कुछ फुटेज वगैरह देखे होंगे तो वहां पर सीरियसली कुछ देशों में बहुत बुरे हाल हैं। बच्चों को देखिए आप, एकदम स्केल्टन जैसे हो रहे हैं। तो फर्स्ट, एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। दूसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ। अफ्रीका में कुछ लीडर्स ऐसे देखे गए जब उनके यहाँ रेट पड़ी कि उन्होंने अपने घर में फर्श तक गोल्ड के बनवा रखे थे, इवन टॉयलेट तक पे गोल्ड से लैपिंग करवा रखी थी। और तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, उसको काउंटर करना है और एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। थर्ड, फाइनेंसिंग ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स यानी क्या हो गया? ओके, जैसे कि आप डैम बनाते हैं इरिगेशन के लिए, जैसे पब्लिक गुड, आप रोडवेज बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पोर्ट एयरपोर्ट बनाते हैं, ये सब पब्लिक गुड्स जो पब्लिक के यूसेज के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये तीन पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से कुछ लिखना हो तो जस्ट मेंशन दैट इट शुड अडॉप्ट ए ट्रिपल मैंडेट, एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंसिंग ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स, ठीक है। यहाँ पर नाउ देर आर एस्टिमेट्स दैट एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ $3 trillion पर ईयर इज नीडेड बाय मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स बाय 2030, आउट ऑफ विच 2/3 आनी चाहिए डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया जैसी तो फिर भी कर सकती हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर सकती डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन। तो ये जो $1 trillion का गैप बच गया, 2/3 आ गई आपकी डोमेस्टिक से और 1/3 जो आएगी वो आएगी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से, जो कि ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ही कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सब पॉलिटिकल न्यूज है। यहाँ पर एक हमारा काम का पॉइंट है कि कैसे हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिजिटाइजेशन का यूज कर सकते हैं, ओके, फॉर इम्प्रूव गवर्नेंस। तो यहाँ पर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कुड बी यूजफुल लाइक आधार कार्ड। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है कल, भूमि सम्मान 23। तो उसी में इन लोगों ने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, इससे इसे फायदा क्या होगा? पहला तो कि जो डिस्प्यूट्स होते थे लैंड को लेके वो थोड़े से रुकेंगे, राइट, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स है, कोई पेपर को फॉर्ज नहीं कर सकता, उनमें हेर फेर नहीं कर सकता। और जब डिस्प्यूट्स नहीं होंगे और गवर्नमेंट के पास ये पूरा डेटा होगा कि कौन सा लैंड कहाँ है, किसका है, ओके, तो जो लैंड एक्विजिशन करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और जब लैंड एक्विजिशन आपका ईजी हो जाता है तो आपके प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट होते हैं एंड देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इसको आप दो वे में कनेक्ट कर सकते हो। एक तो डेवलपमेंट में डिस्प्यूट कम होंगे, लैंड एक्विजिशन ईजी होगा, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा देश में। और दूसरा, कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं डिजिटाइजेशन का फॉर बेटर इम्प्रूव गवर्नेंस। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पर अब देखिए, जब कोविड आया था ना तब काफी सारे करप्शन देखे गए थे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन ये एग्जामिन करती है अलग अलग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स को। आपकी लक्ष्मीकांत में दी हुई है, आप खुद पढ़ सकते हैं कितने मेंबर होते हैं, क्या होते हैं। इन्होंने कहा है कि देयर वॉज अंडर रिपोर्टिंग ऑफ नंबर ऑफ कोविड डेथ्स या विक्टिम्स, इन्फ्लेटिंग बिल्स एंड हाइडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ऑलराइट, ये इश्यूज इन्होंने फ्लैग किए हैं कि पहली बात तो नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में या हर स्टेट वाइज भी इन लोगों ने हार्डली 1/4 या 1/5 बताई है, जबकि उससे कहीं ज्यादा हुई है। हमने देखा था यूपी में लाशें नदी किनारे दफना दी गई थी परिवारों को बताए बिना, ठीक है। और दूसरा, कि आपने जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह खरीदे, मेडिसिन खरीदी, पीपी किट्स खरीदी डॉक्टर्स के लिए, उसके बहुत ओवर बिलिंग की आपने। एंड थर्ड, कि आपने जो भी इक्विपमेंट प्रोक्योर किए उनके डॉक्यूमेंट्स तक आपने हाइड कर दिए। अभी जैसे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अभी जैसे भोपाल में एक बिल्डिंग में आग लगी थी जहाँ पे गवर्नमेंट की कई डिपार्टमेंट्स की फाइल्स जल गई थी, तो उस पर यही ब्लेम किया ऑपोजिशन ने कि ये सारा जो करप्शन किया था आपने कोविड के टाइम पे, उसके सबूत मिटाए गए। एनीवे, मेरा यहाँ पे काम था आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताना और उसने क्या इश्यूज फ्लैग किए हैं, ओके। इवन पीएम केयर फंड को लेके भी जब
कोर्ट में बात की गई तो इन्होंने कहा नो नो, इट इज नॉट गवर्नमेंट फंड और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तो हम नहीं बताएंगे कि कितना पैसा आया पीएम केयर्स में, कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, कुछ नहीं बताएंगे, इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। तो अगेन यहाँ पे बात आ जाती है हमारी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी की। नेशनल इमरजेंसी बता के आपने पब्लिक से डोनेशन मांगा और आज आप पब्लिक को ही नहीं बता रहे हैं कि उसमें कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ, सो दिस इज मॉरली नॉट राइट। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। देखिए वैसे मैं आपसे कहता हूँ कि इनके आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, बट फिलहाल आज का जो आर्टिकल है उसमें ज़्यादा कुछ आपके काम का नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं कि पहले इंडिया को चिंता थी बाइपोलर वर्ल्ड की, ठीक है, डोमिनेटेड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, ये खत्म हो गया विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो अब चिंता हुई है यूनिपोलर वर्ल्ड की डोमिनेटेड बाय यूएसए, ठीक है। हमने चालू किया था नैम, और नैम में हमने कंडीशन रखी थी कि इसमें वही कंट्रीज आएंगी जिनके यहाँ पर कोई भी, इनकी जमीन पर कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है सुपर पावर्स का, ऑलराइट, जो टोटली नॉन अलाइंड हो। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 के आसपास, ओके, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया और एक सुपर सोल सुपर पावर रह गया यूएसए, तब से और फिर उसके बाद जब हम आईएमएफ के पास गए तो हम पे प्रेशर किया गया लिबरलाइज करने का हमारी इकोनॉमी को, तो इसके बाद से हमारा एटीट्यूड काफी चेंज हुआ, हम यूएसए एंड यूरोपियन पावर्स के साथ ज्यादा इंगेज होने लगे, क्योंकि अब हमारा फोकस डिफेंस और स्ट्रेटेजी से हटकर इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ चला गया, ठीक है। और फिर अब जब ये यूनिपोलर वर्ल्ड की से दूर की तरफ जाना है हमें, तो हम बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड की, ठीक है, डोमिनेटेड बाय नॉट वन बट वेरियस पावर, जैसे रशिया इट इज ए पावर, चाइना इट इज ए पावर, यूएसए इट इज ए पावर, ओके, यूरोप अपने आप में एक पावर है, ठीक है, मल्टीपोलर। तो उसी लिए अब हम लोग इंडो पैसिफिक में भी अलग अलग कंट्रीज के साथ एंगेज करने को रेडी हैं। पहले हम मानते थे, हमारी पहले थ्योरी थी एशिया फॉर एशियंस एंड इंडियन ओशियन सिक्योरिटी विदाउट दी सुपर पावर्स, बट अब हम देख रहे हैं कि हमने फ्रांस के साथ एंगेज कर रहे हैं, हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, ऑलराइट, तो अब हम इंडो पैसिफिक में सभी कंट्रीज को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, नॉट यूनिपोलर बाईपोलर। तो इस आर्टिकल को आप पढ़े ना पढ़े ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक्स यही है, ये हमारे काम का आर्टिकल है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीजें पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद ही आपको आर्टिकल समझ में आएगा। देखिए जब हम जीडीपी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं, पहला होता है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, थर्ड होता है प्रोडक्शन मेथड। ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ये मेंस में पूछा गया था आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर, एनीवे हम एक मेथड को उठाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को, तो इसमें हम देखते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन है इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट फिक्स कैपिटल फिक्स्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये हमारा होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, पेंशन देती है, इस तरह की गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये हो जाता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम इस तरीके से अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे क्रूशियल होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में सपोज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट अगर हमारे यहाँ हाई होगा, यानी कि न्यू फैक्ट्रीज लगेंगी, राइट, आउटपुट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आएगा, क्लियर। तो ये
इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होता है इकोनॉमी में उतना अच्छा होता है। एक टाइम था जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रेट ऑलमोस्ट 36% तक पहुंच गया था इन अर्ली 2000 से 2010 के बीच। तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से कर रही थी और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 9% के हिसाब से चल रही थी। 8 to 9%, 9% भी हमने टच किया था, बट डबल डिजिट नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम फिर क्या हुआ आफ्टर 2014? ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप कब कर पाओगे? जब आपके पास सेविंग्स होंगी, राइट? अब हुआ क्या है कि हमारी इकोनॉमी में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया, ये सेविंग्स कम होती गई, और सेविंग्स कम होती गई तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो भी कम होता चला गया। ठीक है, और जब लोगों की सेविंग्स कम हो गई तो उनके एक्सपेंडिचर भी कम हो गए, जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, खरीदते हैं। और जब एक्सपेंडिचर कम हो गए तो कंपनीज के पास भी कोई कोई मोटिवेशन नहीं रहा कि जब मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई खरीद ही कुछ नहीं रहा है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के करें क्या भाई? और इसी चक्कर में आपने उस टाइम न्यूज में काफी सुना पिछले 5-6 साल में कि लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया कंपनी से, ये डिमांड नहीं थी। ऑलराइट, तो ये सब कुछ हुआ है इस इन्फ्लेशन की वजह से, जो चीजें महंगी हुई। तो ये इन्वेस्टमेंट रेट नीचे आने से अल्टीमेटली आपका जो ग्रोथ रेट था वो काफी हद तक डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और हमारी ग्रोथ रेट 9 से आके गिर गई 5% के आसपास। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म बता देता हूँ, ICOR। ठीक है, ICOR ये होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप मिनिमम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। नाउ सपोज आपने 5 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको आउटपुट में 1 यूनिट मिल गई। ओके, जस्ट इमेजिन ए सिंपल सिनेरियो। तो इस हिसाब से आपको 10 रुपये इन्वेस्ट करके मिलेगी 2 यूनिट। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, क्या 5 रुपये, हर 5 रुपये पे आपका 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब सपोज कीजिए कि आगे सिर्फ 3 रुपये एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्ट किए और आपकी 1 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, तो ये शो करता है कि आपके बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। अब पहले आप 5 रुपये इन्वेस्ट करके 1 यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहे थे, अब आप सिर्फ 3 रुपये इन्वेस्ट करके 1 यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहे हो। यही कहलाता है ICOR। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी कैसे आएगी? ये एफिशिएंसी आएगी टेक्नोलॉजी से। जब आप बेटर टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में और आपको बेटर आउटपुट मिलने लगता है, तो उसे कहते हैं हम ICOR रेशियो। ठीक है, ये जितना अच्छा होगा उतना बेटर होगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो हमें इस ICOR को कम से कम रखना होता है कि हम कम से कम इन्वेस्ट करके ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब मैं लेके आता हूं आपको आर्टिकल पे। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू रेज दी पर कैपिटा इनकम, जो कि अभी है 2,379 डॉलर ओवर नेक्स्ट 25 ईयर। क्योंकि देखिए, हम चाहे आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का दम भर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी भी पर कैपिटा में हम 149th रैंक पर आते हैं वर्ल्ड में। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इकोनॉमी वाइज आप बड़े बन के कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए अगले 25 साल तक। और ये करने के लिए हमें 7% ग्रोथ रेट से ग्रो हो करना होगा अगले 25 साल तक। क्योंकि चाइना कोरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो चाइना ने डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर की ग्रोथ रेट अचीव की है फॉर कॉन्स्टेंटली लास्ट 4 डेकेड्स। ऑलराइट, 1980 से शुरू होके 2020 तक उसने ये ग्रोथ रेट अचीव की है, तब जाके आज उसके लोगों की पर कैपिटा इनकम इंडिया के लोगों से ऑलमोस्ट 6 टाइम ज्यादा है। हम 2,000 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, वो 12,000 डॉलर के आसपास चल रहा है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल लिखने वाले के हिसाब से इंडिया को फोकस करना चाहिए पर कैपिटा इनकम की तरफ। अब अगर हम एज्यूम कर लें कि ICOR 4 इंडिया का, मैंने भी आपको समझा दिया ICOR क्या है। ओके, दिस विल रिक्वायर ए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज आई हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में, ऑफ 28%। यानी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए हमें 28%, और मैंने आपको बताया एक पीक टाइम पे हम 32-36 तक भी गए, लेकिन अब थोड़ा गिर गए। ओके, लेकिन उसके बाद अगर हम इतना अच्छा इन्वेस्ट कर पाए 28%, और वो भी ICOR 4, एटलीस्ट 4 मान के, तो ये हमारी इम्प्रूव एफिशिएंसी तो इम्प्रूव करेगा ही, राइट? और ICOR कैसे इम्प्रूव हो सकता है? वो हो सकता है टेक्नोलॉजी के यूज करने से, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है,
एंड दिस विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ 30-32%। और ये अचीव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रेट इन करेंट प्राइसेस फॉर 22-23 इज 29%। अभी भी हमारा जो आई है वो ऑलमोस्ट 29% है, तो इसको हमें बढ़ा के थोड़ा 32 तक ले जाना चाहिए विद एन इम्प्रूव्ड ICOR। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है राइट, सपोज कर लीजिए आप 32% पकड़ लीजिए, आपका ICOR यानी आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आउटपुट ज्यादा निकल रहा है, तो ये मान रहे हैं कि चलिए ICOR पकड़ लीजिए आप 4%। ये दोनों अगर हम सही से मैनेज करें तो अगले 25 साल में हम लोग अपनी इकॉनमी और या कह लो पर कैपिटल इनकम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये किस सेक्टर में ज्यादा जाना चाहिए, तो दिस इन्वेस्टमेंट मस्ट फ्लो इनटू सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स विच आर क्रूशियल टू प्रमोट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उन सेक्टर्स में जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना कि उन सेक्टर्स में जहां पे बहुत कम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लेकिन ग्रोथ अच्छी देते हैं। जैसे हमारा सर्विस सेक्टर, वो ज्यादा लोगों को जॉब नहीं दे सकता एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इट शुड बी वेलकम इन न्यूली इमर्जिंग सेक्टर्स, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट कम फ्रॉम विद इन, और विद इन यानी डोमेस्टिक सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट तभी आ पाएगा जब हाउस होल्ड सेविंग्स ज्यादा होंगी, और उसके लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सोसाइटी में, ठीक है। क्योंकि जब आप घर घर देखते हैं, किसी ने कोई बीमा योजना में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने कोई किसान विकास पत्र, समृद्धि सुकन योजना, इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है, ये सब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। बट अब इन सब में कुछ थ्रेट भी है, जैसे पहला है ग्लोबल फैक्टर, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गए, जैसे ऑयल में, ठीक है, ऑयल आना कम हो गया या प्राइसेस बढ़ गए उसके। उसके बाद दूसरा है एटीट्यूड ऑफ सम कंट्रीज, क्योंकि ये जो कुछ कंट्रीज है वेस्टर्न जो पहले कहती थी कि मार्केट खोलिए, कोई टैरिफ नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आज ये रिवर्स हो गई है, ये लोग अब प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं। पहले तो आपने डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट ओपन करवाए और अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो फ्लड कर दिया हमारे मार्केट में, उसके बाद आज जब हमारी इंडस्ट्रीज कुछ भी करके कॉम्पीट करने के लायक होगी तो आप प्रोटेक्शनिस्ट बिहेवियर अपना रहे हो कि आप फ्री मार्केट एक्सेस नहीं दोगे हमारे गुड्स को, राइट। और अलग अलग तरह के आप टैरिफ लगा रहे हो, उसके बाद कुछ नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। अब देखिए नॉन टैरिफ बैरियर में ये लोग क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है तो उसमें लोग कंडीशंस इस तरह की लगाते हैं कि आपने जो भी कपड़ा बनाया उसमें आपने क्या एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं किया है, और आपने जो बनाया उसमें चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हुआ है, इस तरह की कंडीशंस लगा के हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया जाता है, इन्हें कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ये दो हो गए। फिर तीसरा है पॉल्यूशन को, मतलब आपको डेवलप होना है, ग्रोथ अच्छी करनी है, बट चाइना वाला अप्रोच नहीं लेना है कि लेट्स ग्रो फर्स्ट देन वी विल क्लीन द एनवायरमेंट, ऐसा अप्रोच हमें नहीं लेना है। तो ये जो एक बना था ऑर्गेनाइजेशन, शायद ओबामा के टाइम बात हुई थी, मतलब अभी भी है लेकिन यूएसएफ से बाहर निकल गया है, TPP, ओके, ट्रांस पैसिफिक ट्रेड के लेके बना था। तो इसमें इन लोगों ने यही कहा था, इन्होंने बहुत हैवी कंडीशंस इम्पोज की थी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए आपकी उससे, यानी कि उस पर नॉर्म्स लगाए जाएंगे कि कितना कार्बन एमिशन किया है आपने एक टन स्टील प्रोड्यूस करने में, ठीक है। उसके बाद आपने चाइल्ड लेबर का तो यूज नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस और आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर किस हद तक यूज हुआ है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। अब जब ये लोग TPP जो ऑलमोस्ट 15-16 कंट्रीज थी, अगर ये आपस में ट्रेड करने लगेंगी तो फिर इनका तो फ्री मार्केट हो गया, ये सब फ्री टैरिफ से जाएगा। जैसे सपोज वियतनाम अगर इसका पार्ट है तो उसके यहाँ से जो कपड़ा जाएगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश से जो कपड़ा जाएगा उस पर टैरिफ लगेगा, ठीक है। तो हम अपना जो US में कपड़ा मार्केट है वो लूज कर देंगे, ओके। इसलिए हमें पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना होगा। देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। नाउ अब जैसे जैसे आप बेसिक इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कई स्टेट्स में 1,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इस तरह की चीज, जैसे जैसे आप बेसिक इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, फार्मर्स को दिया जा रहा है 6,000 रुपये साल, तो उसके साथ साथ आप सब्सिडीज कट कीजिए एक्सेप्ट फूड पर मिलने वाली सब्सिडीज। फिर बाद में लास्ट में उन्होंने यही कहा है कि फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बन गए लेकिन पर कैपिटा में 149 पर हैं आउट ऑफ 194, दैट इज नॉट गुड। एनीवे आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो बहुत अच्छे से। अब आते हैं हम, राजस्थान एक बिल ला रहा है मिनिमम इनकम के लिए। अब देखिए एक इंसान के लिए, एक सिटीजन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक उसके पास एक इनकम होनी चाहिए आपके नागरिक के पास,
दूसरा, ये इनकम कहां से आएगी, तो उसके लिए आपको उसको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। एंड थर्ड, उसे जिंदगी भर काम किया, आप मेहनत की, टैक्सेस भरे, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, यानी कि आप अगर एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदा, आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर आपने जिंदगी भर टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ओल्ड एज में जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तब वो आपको एक मिनिमम पेंशन इंश्योर करे। ठीक है, तो उसी को लेकर गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ रही है जो मिनिमम गारंटी इनकम, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन इंश्योर करेगा लोगों के लिए। ठीक है, तो इन तीन चीजों को लेके, और ये पूरी कंट्री पे लागू होना चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट देना, इनकम जनरेट करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंशन। बट कुछ स्टेट्स में आप देखिए पेंशन के नाम पे 200 रुपये 500 रुपये दिया जाता है, आई मीन दैट्स लाइक नथिंग। एनीवे, अब बहुत से स्टेट्स में, जैसे अभी रिसेंटली एमपी में पटवारी का पेपर लीक हुआ, 15 लाख में बिका, और एक आई थिंक रैंक सिक्स ने तो एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमें मिल गया था। तो ये सिर्फ एमपी में नहीं है, गुजरात में भी पिछले 2 साल में 7 पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ। तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम प्रपोज करेंगे लाइफ टर्म, बट शायद वो भी कम है, क्योंकि किस जिस तरीके से आप युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो ये सही नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन इम्पोज करने की जरूरत है, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। कुनो में ये जो डेथ हो रही है ना चीता की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है रेडियो कॉलर्स को। ये किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको इन डिटेल में, बट पढ़ना हो तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बट आई वॉन्ट सजेस्ट। ओके, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमा सिंघे इंडिया की विजिट पर हैं, तो इनकी विजिट के बाद हम देख लेंगे क्या क्या निकल के आता है सामने। बट इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि देखिए, जब श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा था चाइना के थ्रू, तो हम्बनटोटा पोर्ट तो मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ, तो इस टाइम पर इनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इंडिया ने हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया नेगोशिएशंस में आईएमएफ के साथ, और $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिलवाया आईएमएफ से। ओके, और हमने पर्सनली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया वो अलग। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि हमने आपके साथ कुछ एमओयू साइन करे थे इंडिया ने, जैसे एक तो किया था त्रिंकोमल्ली ऑयल टैंक पम्प यहाँ पे बनाए गए थे, मतलब पहले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही बने थे, तो उनमें ऑयल स्टोर करने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किया था श्रीलंका के साथ, लेकिन उस पर कोई आगे ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं। फिर सीपा इनेक्ट किया गया था, लेकिन उस पर भी देर वॉज नो फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मतलब रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, हम्बन टोटा पोर्ट वॉज सोल्ड टू दी स्टेट ओन चाइनीज कंपनी दैट हैड बिल्ट इट टू सेटल डेट। अब अपना कर्जा चुकाने के लिए आपने हम्बन टोटा पोर्ट चाइना की एक कंपनी को सेल आउट कर दिया, जबकि वो हमेशा से कोशिश कर रहा है इंडिया को सराउंड करने की, तो ये भी इंडिया को पसंद नहीं आया। दूसरा, हम्बन टोटा पर चाइना का एक शिप आया था युआन वांग 5, तो चाइना और श्रीलंका दोनों का ये तो साइंटिफिक रिसर्च वेसल है, बट इंडिया ने कहा नहीं ये एक सर्विलेंस शिप है, तो ये भी इंडिया के साथ थोड़ा रिश्तों को और नीचे ले गया था। ऑलराइट, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो ऑलरेडी पहले से रिश्ते खराब कर चुके हैं। अब इस यहां से आगे क्या निकल के आता है वो हम इनकी विजिट के बाद अच्छे से देखेंगे, बाकी हम इंडो श्रीलंका का सेपरेटली कर लेंगे। कल हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड किया था, आई होप आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो बताइएगा ताकि हम लोग आगे भी करें। फिर अगला में टारगेट है कि उसमें हम यूएसए के साथ के रिलेशन, फ्रांस के साथ रिलेशन, बांग्लादेश एंड श्रीलंका के साथ, ये 4 टॉपिक और करवा देंगे, ताकि न्यूज में जो कुछ चल रहा है वो सब साथ साथ कवर होता चले। ठीक है, उसके बाद 1987 में एक अकॉर्ड साइन किया गया था इंडिया श्रीलंका के बीच तमिल पॉपुलेशन को लेके, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म था 13th अमेंडमेंट, जो श्रीलंका ने प्रॉमिस किया था इंडिया को कि हम इंप्लीमेंट करेंगे, तमिल्स को भी बराबर के राइट्स देंगे, लेकिन ये इंप्लीमेंट ठीक से हुई नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी जब मैं श्रीलंका पढ़ाऊंगा तब तो मैं डिटेल में बता दूंगा। यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन पेज पर आज हमारे काम का कुछ नहीं है। अब देखिए, हमारे पास ना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया हमने, जैसे ये हमारा, सॉरी ज्यादा बुरा बन गया, अरे यहाँ कर्नाटका में 2 साइट हैं और इधर उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो इस तरह से एक साइट है पुडूर, एक है इधर वाइजैक, एक है इधर मैंगलोर, तो इस तरह से हमने कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं। ठीक है, इनको अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है इन रॉक कैवर्न्स, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। तो ये करीब हमने इतना स्टोर कर रखा है कि 9.5 डेज तक साथ दे जाए, अगर कभी इंपोर्ट में कोई डिसरप्शन आता है तो। ओके, तो
तो इसी की लाइन पर अब बात की जा रही है कि कुछ कैश रिजर्व बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि इनके प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अगर हम कुछ रिजर्व बना के रखें तो एक बफर की तरह वो काम करेगा एज अ हेज अगेंस्ट वोलेटिलिटी। इंडिया इज एक्सप्लोरिंग बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटीज इन द कंट्री ऑन द लाइंस ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व इन अ बिड टू हैव लार्ज गैस स्टॉक पाइल दैट कैन बी यूटिलाइज इन इमरजेंसी एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन एंड सर्व एज ए हेज अगेंस्ट एक्सट्रीम प्राइस वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट। ऑलराइट, जो मैंने आपको समझाया वही बात लिखी है वहां। फिर इंडिया ऑलरेडी हैज स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व विद कैपेसिटी टू होल्ड 5.33 मिलियन टन ऑफ ऑयल अंडरग्राउंड कैवर्न्स फिट टू मीट अराउंड 9.5 डेज ऑफ कंट्रीज ऑयल डिमांड एंड दिस विल बी एक्सपेंडेड बाय अनदर 6.5 मिलियन टन इन सेकेंड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन गैस रिजर्व की जब बात आती है तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज हमने नहीं बनाई है। अब आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है जानना कि हम इनको कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो इनको स्टोर कर सकते हैं ऑयल की तरह ही अंडरग्राउंड रिजर्व में, अंडरग्राउंड रॉक्स में। ठीक है, दैट स्टोरिंग नेचुरल गैस इन अबेंडेंट गैस वेल जो आप सूख चुके हैं, खाली हो चुके हैं, एज वेल एज अंडरग्राउंड स्टोरेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब सरफेस फॉर्मेशन। इसके अलावा आप इनको ये जो हमारे सॉल्ट पैंस होते हैं ना उनमें भी स्टोर कर सकते हो, ये डिप्लीटेड रिजर्वॉयर्स इन ऑयल एंड गैस फील्ड इन नेचुरल एक्विफर्स एंड सॉल्ट कैवर्न्स। ये आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, डिप्लीटेड रिजर्व इन ऑयल एंड गैस फील्ड इन नेचुरल एक्विफर्स एंड सॉल्ट कैवर्न। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें क्या देखना है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको 12 पैरामीटर्स याद रखने हैं इसके लिए, और नीति आयोग इसको पब्लिश करता है, बस ये याद रखना है। फिर यहाँ पर यूएस कह रहा है कि ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब आज हम ऑयल और इन सब से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उससे हमें रिन्यूएबल की तरफ ले जाना है अपनी एनर्जी को। तो ये एक तरह से नया मार्केट ओपन करता है आपके लिए 23 ट्रिलियन डॉलर का, मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए। ये प्राइवेट कंपनीज आएंगे तो प्रॉफिट के लिए आएंगे ना, बिना प्रॉफिट के लिए क्यों कोई करेगा। तो बस आप एक जगह कोट कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है हमें अपना ट्रांजिशन के लिए, एंड इट प्रोवाइड्स दैम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो ऑफ 23 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद PFRDA, ये PFRDA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है पर इतना जान लो इसको। और ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स वो होती है जो गवर्नमेंट, अगर सॉवरेन है तो वो बॉन्ड होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, और यहाँ से जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी टाइप के प्रोजेक्ट्स में। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, नथिंग एल्स। ऑलराइट, तो अब फाइनली मुझे आपसे ये जानना है कि आपको कल का यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेक्चर पसंद आया या नहीं। अगर तो पसंद आया है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा फोकस है कि आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहें, और उसमें मैंने हर टॉपिक पे आपको 3 क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी अनसाइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। डोंट वेस्ट योर मनी इन कोचिंग्स, जस्ट डोंट। ओके, वो ढंग से आपका आंसर चेक भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे जस्ट डोंट केयर। दे हायर वन ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 1-2 मेंस लिखे होते हैं और वो अपना चेक करके आपको देते हैं। तो जो चीज़ जब जहाँ आपके पैसे नहीं लगाने चाहिए वहाँ अननेसेसरीली आप पैसे मत खर्च कीजिए। ओके, मैंने अपना टारगेट जो रखा है कि अराउंड 450 to 500 टॉपिक्स आपके मेंस के लिए तैयार करा दूँ, तो वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। कल मैंने पहला वीडियो बनाया था, अभी मुझे आपको इंडो यूएस इंडो फ्रेंड्स और रिलेशन भी कराने हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक आता है तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।